हेलो गाइज, मैंने भी देव कुमार एंड यू आर वॉचिंग देव कुमार ब्लॉग्स। तो गाइज, आज जैसा कि आपको पता होगा कि 22 मार्च है और जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। तो अभी हम आए हैं, बाहर निकले हैं दोस्तों, क्योंकि मीडिया वाले बाहर निकल रहे हैं। तो हमने भी सोचा आपको क्यों ना बाहर निकल के दिखाया जाए नज़ारा। तो पीछे मेरे आप देख सकते हैं सिग्नेचर ब्रिज है, और जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आम दिनों में काफ़ी चहल पहल रहती है और आज पूरा खाली है। और मेरे साथ मेरा भाई आया है, ये SRC न्यूज़ चैनल से है सुधांशु कुमार। तो इन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया आज वीडियो बनाने में। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, हम आपको दिल्ली के काफ़ी इलाकों में मार्केट में घुमाने वाले हैं जहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो और आज वहाँ कैसे माहौल है, तो चलिए आपको हम वहाँ के हालात दिखाते हैं। आप में से काफ़ी लोग कमेंट करके कहोगे कि जब जनता कर्फ्यू था सभी बात मान रहे थे तो तुम क्यों निकले घर से बाहर। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे मीडिया वाले बाहर हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक मैं भी मीडिया पर्सन होने के नाते मुझे भी लगा कि आप सबको बाहर का नज़ारा दिखाना चाहिए कि सब लोग जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं नहीं, और कैसा बाहर का माहौल है। तो इसके लिए मैं 1 घंटे के लिए बाहर निकला था। तो ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखें। मैं दिल्ली के काफ़ी इलाकों में गया और वहाँ के हालात के बारे में इस वीडियो में बताया है, तो पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। तो गाइज, ये देखिए, ये वजीराबाद मार्केट है और ये पूरा मार्केट अभी देखिए किस तरह से बंद है, सारी दुकानें बंद। अभी हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या अभी पेट्रोल पंप खुले हैं कि नहीं। और अब बाकी और भी दिल्ली के मार्केट में अभी हम जाकर देखने वाले हैं कि वहाँ का कैसा हाल है। कुछ छोटी मोटी डेयरी वगैरह खुली हुई है। तो गाइज, आप देख लीजिए पूरा रोड खाली है और कुछ एक दो ही लोग नज़र आ रहे हैं, और बस भी देखिए पूरी खाली है। ऐसा नज़ारा आपको दिल्ली में आज से पहले कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए वजीराबाद का जो मेन रोड है, यहाँ पे देखिए चौराहा, पुलिस की वैन खड़ी है, प्राइवेट मतलब कुछ बसें भी चल रही है, कुछ 4-5 लोग थे। और अभी हम जा रहे हैं तिमारपुर पेट्रोल पम्प पे, देखते हैं कि पेट्रोल पंप अभी खुला है या नहीं और लोग वहाँ है कि नहीं। तो गाइस देखिए, ये पेट्रोल पंप भी बंद है और साफ सफाई चल रही है। तो गाइस ये देखिए तिमारपुर का इलाका है, और जैसा कि कल दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया था कि 50% बसें ही चलेगी, तो कुछ बसें दिखाई दे रही है रोड पर। तो गाइस, ये माल रोड अथॉरिटी है, ये पूरा खाली है। और देखिए यहाँ पे मतलब कितना जाम लगा रहता था। तो गाइस यहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप पे देखते हैं, यहाँ खुला है कि बंद है। तो गाइस ये देखिए, ये पेट्रोल पंप खुला है और यहीं से हम भी पेट्रोल लेके देखते हैं क्या नहीं देगा। तो गाइस ये पेट्रोल पंप तो खुला था, तो हमने पेट्रोल ले लिया। अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं मेन मार्केट, क्या सभी लोग घर में हैं, पालन कर रहे हैं इस जनता कर्फ्यू का कि नहीं। पहले हम चलते हैं ड्यू। भाई क्योंकि पता कैसे चलेगा लोग पालन कर रहे हैं, भाई मीडिया को तो निकलना ही पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए, ये है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और ये बिल्कुल पूरा बंद है, यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि कल अनाउंस हुआ था कि कल सुबह से और रात तक मेट्रो बंद रहेगी, और हो सकता है आगे भी बंद रहेगी। और जिनको दोस्तों ज़रूरत है, इमरजेंसी है, सिर्फ वही बाहर निकले हुए दिखे रहे हैं, और बाकी सब घर के अंदर और सभी दुकानें बंद हैं। आज तो भैया ऑटो बंद था। मैं तो दवा डलवाने आया हूँ गाड़ी में। अच्छा, घूमने वाली ना वो डलवाया अभी। ठीक है। तो गाइस ये देखिए विधानसभा मेट्रो स्टेशन, ये भी पूरा बंद, और कुछ बसें चलती हुई दिखाई दे रही है जिसमें कि कोई नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों ISBT, और देखिए एम्बुलेंस जाता हुआ, कोई इमरजेंसी केस के लिए दोस्तों ये एम्बुलेंस चल रही है। देखिए दोस्तों पेट्रोल पंप पर कोई नहीं है। हाँ, ये संत परमानंद हॉस्पिटल है, ये खुला हुआ है।
दोस्तों हॉस्पिटल जो इमरजेंसी सेवाओं में काम आती है वो सभी सेवाएं अभी जारी है। हेलो गाइस, और मैं हूँ देवेंद्र का बड़ा भाई उर्फ देव कुमार का। दोस्तों ये है कश्मीर गेट का यू टर्न, तो कुछ लोगों की भीड़ है यहाँ पे, कुछ आने जाने वाले लोगों जो मतलब कि अदर स्टेट से स्टेट में आ रहे हों, बाकी रिक्शे वाले भी ऐसे खाली घूम रहे हैं। यह है दिल्ली का कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे फिर भी काफ़ी लोगों की जनसंख्या दिख रही है ना के मुकाबले। देखिए वो मेट्रो का गेट है, कोई लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। दोस्तों ये कश्मीर गेट का मेन मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ की सामान मिलती है। देखिए पूरे बंदे मार्केट है ये, इंसान है यहाँ पर। और दोस्तों अभी इस टाइम हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हैं, तो सामने रेलवे स्टेशन का वो है गेट। तो गाइस अभी मैं हूँ कश्मीरी गेट मार्केट में, देखिए किस तरह से पूरा रोड खाली है, पूरा ये मार्केट बंद है और बसें वगैरह आ रही है। सिर्फ जो भी मतलब जो इमरजेंसी पैसेंजर है वो सब आ रहे हैं। आपको मैं पूरा ये मार्केट खचाखच आम दिनों में चालू रहता था, और अभी देखिए किस तरह से पूरे मार्केट बंद है और काफ़ी अच्छी तरह से जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। तो अभी आगे हम और भी मतलब बस अड्डे की ओर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आम दिनों में काफ़ी भीड़ रहती है, तो वहाँ जाके देखते हैं वहाँ का कैसा माहौल है। दिल्ली रेलवे स्टेशन, दोस्तों इस वक्त है मैम अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कश्मीर गेट के पास। यहाँ देखिए लोग कितनी काफ़ी भीड़ है, पूरी बस खाली खाली यहाँ पर, बिल्कुल भी कुछ नज़ारा नहीं दिखता यहाँ पर, काफ़ी लोग कम हैं यहाँ पर। ये एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। तो गाइस ये इधर देखिए, इधर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो गाइस ये देखिए लाजपत मार्केट और पूरी तरह से बंद चांदनी चौक मार्केट। तो गाइस अभी हम देखिए जा रहे हैं लाल किला, और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा माहौल है। तो बस स्टैंड पे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यही इलाका है जो दिल्ली का सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे भीड़ लगती है, ट्रैफिक लगती है, और आज देखिए कैसे यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, कोई नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखिए जी न्यूज़ की गाड़ी है, मीडिया की गाड़ी है, मीडिया वाले सिर्फ बाहर है। ये लाल किला है दोस्तों दिल्ली का, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली। देखिए दोस्तों ये एज इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है और ये भी बंद है। तो गाइस ये देखिए दिल्ली का मशहूर हनुमान मंदिर, और देख सकते हैं कुछ लोग बस नज़र आ रहे हैं, बाकी सब कुछ बंद है, दुकानें वगैरह बंद है। तो गाइस ये देखिए गाजियाबाद जाने वाला रास्ता, और ये सिग्नेचर ब्रिज है। देखिए रोड पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, खाली है। तो ये देखिए भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, क्या हुआ है पब्लिक जो भीड़ है, अभी हम भी जाके देखते हैं क्या हुआ। अरे आग नहीं डूबा, इसको डूब जाता है ना जब भी फायर ब्रिगेड आती है। तो गाइस देखिए हम खजूरी चौक पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहीं पे दंगे हुए थे, और ये पूरा बंद था और आज भी बंद है जनता कर्फ्यू के कारण। और दोस्तों यहाँ पे दंगे के टाइम पे बहुत ही बुरे हालात थे यहाँ पे। दोस्तों राइट साइड में देखिए सीआरपीएफ टीम है, और हमारे सुरक्षा के लिए दोस्तों ये सब यहाँ पर खड़े अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे अभी कल? कल 8:30 बजे। तो गाइस यहाँ बताया जा रहा है कि कल यहाँ पे जंप लगा दिया इसे। 7 बजे तो उसने खाना वाना खा, नाश्ता करा। आपका कोई भतीजा है मेरा? अच्छा हाँ, तो चाय नाश्ता करा है। तो इतने में भैया हमारे मंदिर में गए हैं और मैं अपने पापा का बेटा नहीं बन पाया, लायक नहीं हो पाया। और तू मेरे घर में फ़ोन करके कहते कि मैं जमुना जी में कूद रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो कहाँ रहते हैं आपका? चांदबाग में। चांदबाग में तो अभी कुछ पता चला इसके बारे में? नहीं, नाइट में भी सुबह से ढूंढ रहे हैं, कुछ रात को भी आए थे। तो दोस्तों आपने देखा कि वहाँ बताया जा रहा है लेकिन किसी ने कल रात सुसाइड कर लिया है सिग्नेचर ब्रिज से नीचे कूद के यमुना नदी में। तो अभी उसी की जांच चल रही है। तो मैंने दोस्तों आपको दिल्ली के काफ़ी इलाकों के हालात बता दिए। तो आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। तो अगर ये दोस्तों मेरा काम आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह जो दोस्तों सरकार की तरफ से कोई भी नियम कानून बनते हैं तो उनका पालन करें आप सभी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि दोस्तों आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी मिल जाए।